वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज एट पॉइंट टू इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में एट पॉइंट वन की थी जिसमें आप लोगों ने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस किया था जहाँ लाइक फ्रैक्शन की भी एडिशन की थी और अनलाइक फ्रैक्शन की भी एडिशन की थी सो टूडे वी आर गोइंग टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन ओके सो फर्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस देखिए इसका बेसिक तरीका क्या होता है डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन सब्रैक्शन को हम डिफरेंस भी कहते हैं करने के लिए आपको डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर यानी दोनों जब लाइक like फ्रैक्शंस में क्या होता है नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है लाइक like फ्रैक्शंस में तो नीचे हम दो अलग जगह दो अलग जगह डिनोमिनेटर लिखने के एक साथ एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख देते हैं और डिफरेंस कर देते हैं उसके ऊपर के न्यूमरेटर्स का ठीक है कैसे करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगी सो दिस इज एक्सरसाइज एट पॉइंट टू द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज वन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन दैट इज सब्रेक्ट द फर्स्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द सेकेंड फ्रैक्शन पहले फ्रैक्शन को सेकंड वाले फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ आप ये गलती मत कीजिएगा कि वन बाय थ्री में से टू बाय थ्री को सब्ट्रैक्ट करें दैट इज रॉन्ग उन्होंने लिखा हुआ है कि सेकंड वाला फ्रैक्शन आगे आएगा और उसमें से आपको फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है सो द फर्स्ट वन इज वन बाय थ्री एंड टू बाय थ्री लाइक फ्रैक्शन है ये क्योंकि नीचे दोनों के डिनोमिनेटर थ्री ही है सो हाउ वी सॉल्व इट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेम बाई डिजिट लिख second वाले को आगे लिखना है so by में से हम करेंगे by को नीचे common denominator लिख देंगे विच इज थ्री दोनों का एक ही डिनोमिनेटर है तो दो बार लिखने की जगह हम उसे एक ही बार लिख देते हैं और ऊपर न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू में से वन को सब्ट्रेक्ट करेंगे द आंसर विल बी वन सो योर आंसर इज वन बाय थ्री सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट देखिए विच इज टू बाय थ्री कॉमा वन तो अब हमें वन में से टू बाई थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है यानी सेकेंड फ्रैक्शन में से फर्स्ट फ्रैक्शन को सो देखिए वन के पहले मैंने उसको सही फॉर्म में लिख लिया वन को आगे लिखा और टू बाई थ्री को बाद में लिखा अब देखिए वन के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है जब नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम एज्यूम करते हैं दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन इज वन तो इसके नीचे वी विल एज्यूम कि वन है ओके okay? तो अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब भी हम फ्रैक्शंस जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनकी जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं द स्टेप्स विल बी द सेम मतलब जैसे उसमें हमने अनलाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एल्सियम लिया था और फिर मल्टीप्लीकेशन की थी सेम वही प्रोसीजर हम इसमें भी फॉलो करेंगे देखिए दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं द फर्स्ट वन इज वन एंड द सेकेंड वन इज थ्री वन और थ्री का अगर मैं एल्सियम लेंगू लूंगी ये बेसिक लॉजिक uh, है आपका वन और थ्री का आप एल्सियम लेंगे तो थ्री ही आएगा तो मैंने थ्री लिख दिया अब थ्री देखिए वन की टेबल में थ्री कब आएगा थ्री पे ही आएगा ना तो इसीलिए उस वन की मल्टीप्लाई यानी वन के न्यूमरेटर क्या है ना उसकी मल्टीप्लाई मैंने थ्री से की तो आंसर विल बी बिकॉज़ एंड थ्री के टेबल में थ्री वन पे ही आएगा तो मतलब टू की मल्टीप्लाई वन से ही होनी है तो सेम टू ही रहेगा तो थ्री में से फिर हम टू को सब्टेक्ट करेंगे द आंसर विल बी वन सो द फाइनल आंसर इज वन बाय थ्री अब इसका थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट और फाइव पार्ट सेम ऐसे ही आपको करने हैं नीचे कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे और ऊपर बेसिक सब्ट्रैक्शन कर देंगे आप जैसे आप जनरली करते हैं इसके बाद इसका जो सिक्स है दैट इज प्रोसीजर फॉलो होगा एट बाई फोर्टी फाइव और ट्वेंटी फाइव बाय फोर्टी फाइव है ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी फाइव को हम आगे लिखेंगे यानी फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे और उसमें से सब्रैक्ट करेंगे eight by को दोनों का मैंने कॉमन डिनोमिनेटर लिया दी फाइव और ऊपर ट्वेंटी फाइव में से जब हम एट को सब्ट्रैक्ट करते हैं द आंसर 17 तो आंसर आया आपका सेवनटीन अपॉन फोर्टी फाइव ठीक है स्टूडेंट्स अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंथ जो है यहां से आपकी सब्ट्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन की है ठीक है मतलब यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं दोनों उनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हमारी सब्ट्रेक्शन या एडिशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आप देखिए वो कैसे करेंगे सेवेंथ पार्ट में दिया हुआ है फाइव बाय फोर्टीन और थ्री बाय सेवन सबसे पहले तो आप सेकेंड वाले डिजिट को आगे ले जाइए और फर्स्ट वाली को पीछे लिखिए क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में बताया गया है पहला है सेवन दूसरा है फोर्टीन दोनों का हम लेंगे एल सी एम द सेकेंड स्टेप इज टेकिंग एल सी एम सेवन और फोर्टीन का एलसीएम लेंगे देखिए पहले टू से डिवाइड होगा ये सेवन टू से नहीं जाएगा तो सेवन को एज इट इज मैंने लिख दिया 2 की टेबल में 14 7 पे आता है तो 7 लिख दिया यहाँ पर अब ये दोनों प्लेस पे 7 आ गया 7 7 से ही डिवाइड होता है बिकॉज़ इट्स अ प्राइम नंबर सो 7 वन जा 7 तो आपका एलसीएम आया 14 7 टू जा 14 ठीक है एलसीएम लिख देंगे हम मतलब जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर बनता है वो आ गया 14 अब 7 की टेबल में पहले हम पहले वाले फ्रैक्शन की टेबल में देखते हैं पहले वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है सेवन उसकी टेबल में फोर्टीन आता है टू पे तो इसके न्यूमरेटर यानी कि थ्री की मल्टीप्लाई होगी टू से बीच में सब का साइन लगेगा अब सेकंड हमारा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है फोर्टीन फोर्टीन की टेबल में फोर्टीन आता है वन पे तो फाइव की मल्टीप्लाई वन से करेंगे थ्री की मल्टीप्लाई जब हमने टू से की आंसर आया सिक्स माइनस का साइन लगा दिया फाइव बन जाए इस सिक्स में से फाइव गए आंसर आ जाएगा वन नीचे डिनोमिनेटर वही आएगा फोर्टीन ये आपका फाइनल आंसर है अब इसी की तरह इसका एट पार्ट आप लोग खुद करेंगे इसके बाद मैंने किया है नाइन्थ पार्ट द क्वेश्चन इज थ्री बाय फिफ्टीन एंड थ्री बाय टेन तो पहले हम थ्री बाय टेन को आगे लिख देंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्री बाय को तो टेन और फिफ्टीन का जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पर टेन और फिफ्टीन का टू से मैं डिवाइड करूंगी सबसे पहले इसको टू की टेबल में टेन आता है 5 पे 15, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको एज इट इज लिख दिया अब थ्री से करेंगे हम फाइव एज इट इज आ जाएगा थ्री की टेबल में फिफ्टीन फाइव पे आता है थ्री फाइव फिफ्टीन अब लास्ट में फाइव आ गए दोनों तो फाइव से दोनों को डिवाइड करेंगे वन जा एलसीएम इसका टू इंटू थ्री इंटू फाइव विच इज थर्टी यहाँ पर नीचे कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे 30. अब 10 की टेबल में 30 कब आता है थ्री पे तो इस थ्री की मल्टीप्लाई थ्री से हो जाएगी सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा बीच में फिफ्टीन की टेबल में थर्टी आता है टू पे तो थ्री की मल्टीप्लाई टू से होगी थ्री थ्री नाइन और थ्री टू जाओ में से छह जाएंगे तो आपका आंसर आएगा थ्री बाय थर्टी अब देखिए थ्री बाय थर्टी को हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आपने पिछले एक्सरसाइज में भी आ, पिछले चैप्टर में किया होगा चैप्टर में में जब हम लोएस्ट फॉर्म कन्वर्ट करते हैं इट आपको उसको कट करना है जितना वो कम हो सके तो थ्री वन इस थ्री और थ्री टेन जाए इस थर्टी तो वन बाय टेन आ गया इसका फाइनल आंसर नाउ द नेक्स्ट वन इज टेंथ पार्ट एंड इलेवेंथ पार्ट इज ऑल्सो योर होमवर्क नाउ द लास्ट वन इज ट्वेल्थ पार्ट देखिए अब यहाँ पर फाइव अपॉन फिफ्टी सिक्स एंड सेवन बाई ट्वेल्व है एज इट इज फर्स्ट स्टेप इज आप पहले सेकेंड प्लेस वाले फ्रैक्शन को आगे लिखेंगे और फर्स्ट प्लेस वाले फ्रैक्शन को पीछे यानी सेवन बाय ट्वेल्व में से सब्टैक्ट करना है फाइव बाई फिफ्टी सिक्स ये आपको सभी क्वेश्चन में नहीं करना सिर्फ इसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोला गया है इसलिए करना है ठीक है तो अब ट्वेल्व और फिफ्टी सिक्स का हम एल लेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग टू से ही करेंगे क्योंकि देखिए दोनों ही इवन नंबर है और टू की टेबल में दोनों ही आएंगे तो टू की टेबल में ट्वेल्व आता है सिक्स पे फिफ्टी सिक्स आता है ट्वेंटी एट पे सिमिलरली अब टू से दोबारा डिवाइड हो रहा है टू थ्री जी सिक्स और टू की टेबल में ट्वेंटी एट आता है फोर्टीन पे फिर टू से दोबारा थ्री तो नहीं होगा लेकिन फोर्टीन हो रहा है ना तो अगर एक डिजिट भी हो रही है ना तो हम तब तक उसी नंबर को कंटिन्यू करते जाते हैं तो थ्री को एज इट इज लिख देंगे और टू सेवन जो फोर्टीन लिख दिया अब देखिए अब थ्री पे आएंगे टू के बाद थ्री आता है ना तो थ्री से थ्री 3 को करेंगे थ्री देन सेवन को एज इट इज लिख दिया मैंने अब सेवन से करेंगे सेवन वन जो सेवन फाइनल इसका एलसीएम आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे वो आएगा वन कॉमन एलसीएम मैंने कॉमन uh, डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया है दैट इज 168 हंड्रेड सिक्सटी ट्वेल्व की टेबल में वन हंड्रेड सिक्सटी एट कब आता है आप देखिए ये आपको मल्टीप्ला सॉरी डिवाइड करके देखना पड़ेगा कैसे करेंगे आप ट्वेल्व की डिवाइड वन सिक्स एट ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व सब करेंगे फोर एट ट्वेल्व फोर ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट द आंसर इज जीरो सो इसमें आ गया फोर्टीन तो इसलिए ट्वेल्व की uh, टेबल में 168, 14 पे आता है तो 7 की मल्टीप्लाई से हो जाएगी सिमिलरली की टेबल में वन सिक्सटी एट थ्री पे आता है तो फाइव की मल्टीप्लाई थ्री से हो जाएगी सेवन की मल्टीप्लाई जब मैं फोर्टीन से करूंगी द आंसर इज 98 एट एंड सिमिलरली फाइव थ्री फिफ्टीन बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा नाइन्टी एट में से फिफ्टीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा एट्टी थ्री और नीचे वन हंड्रेड सिक्सटी एट कॉमन डिनोमिनेटर यह आपका फाइनल आंसर है इसमें जो पार्ट्स मैंने नहीं किए हैं वो सारे पार्ट्स आपको एज इट इज अपने आप करने हैं बाय और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच